चंद्रपारा वर्सेस कोटिया के बीच में और बहुत ही अच्छा गोलकीपिंग के द्वारा। और आज का पहला मैच चलता हुआ चंद्रपारा वर्सेस कोटिया के बीच में और यह मैं जानकारी देना चाहूंगा कि ऑरेंज कलर की जर्सी में चंद्रपारा और रेड कलर की जर्सी में कोटिया और शुरुआती क्षण में ही कोटिया चंद्रपारा के ऊपर दबाव बनाते हुए चंद्रपारा के ओर से दीपेश राजवाड़े और सूरज सिंह जी स्टेज पर आने का कष्ट करेंगे। लाइट जलान कितना 450 जरा बोल पकड़ ना इधर का जरा हाई साइड उधर है ये साइड जा ये साइड। और एक कॉर्नर के रूप में चंद्रपारा को पहला मौका मिलता हुआ विशाल काफी लाजवाब शूट लेकिन वह गोल पोस्ट से थोड़ी सी दूर कौन पर सोनू दीपेश सर जाते थे पर अबे वो खराब बाल है कोटिया की टीम के लिए लेकिन चंद्रपारा की टीम ने बहुत ही अच्छा फिर ये मौका मिल सकती है कोटिया की टीम के लिए फिर फाउल कोटिया की टीम को बहुत अच्छी बॉल मिलती हुई ये बहुत ही अच्छा कीपिंग चंद्रपारा की टीम कीपर से और ये बहुत ही अच्छा शॉट लेकिन सीधे कोटे के कीपर के हाथों में रामेश्वर चंद्रपारा मंच पर आने की कृपया करें रामेश्वर कहीं भी हो फिर से कोटिया टीम दबाव दबाते हुए चंद्रपारा की टीम हाथ लगा दी फाउल दी हुई फिर से चंद्रपारा को फ्री किक मिलती हुई ये फाउल जाते हुए फ्री किक में सारे वही कर लीजिए गोल खाते दिन जबरदस्त खाते I don't deny it.
ये कोटिया की टीम के लिए बहुत ही अच्छा मौका मिल सकती थी, लेकिन फिर से सेंधोपारा की टीम ने दबाव डालती हुई और ये देखते हैं प्रयास हो पाती है कि नहीं। सेंधोपारा की टीम फिर से फाउल, हॉट साफ टेक दी। कोटिया की टीम को बॉल मिलती हुई और ये बहुत ही सुनहरा मौका मिल सकता है कोटिया टीम के लिए। रिटेन कर रहा है सरी की मारना, देखते हैं इसमें सफल हो पाते हैं या नहीं। फिर से थोड़ी सी चूक करती हुई, फिर हैंड की टीम को बॉल मिलती हुई, लेकिन कोटक टीम बहुत ही, दोनों टीम बहुत ही, ये देखते हैं गोल हो पाती है कि नहीं सेंधोपारा की टीम से। ठीक ठाक कर लेके अभी वाला तो बचाई तो ठीक है ना। और ये मौका मिल सकती थी लेकिन बॉल से कोटिया टीम ने बॉल गोलकीपर कीपर के हाथों में। अरे टाइम पास कर दो मत कर, अभी वो टाइम पास कर। खेला भी पट्टी में पूरा जा, पूरा जा, पूरा बोल दे इसको। बहुत निकल गई, बहुत ही सुनहरा मौका सेंधोपारा के लिए, लेकिन उतनी ही अच्छी गोलकीपिंग कोटिया गोलकीपर के द्वारा। आज का ये पहला मैच कोटिया वर्सेस सेंधोपारा के बीच चलता हुआ, दोनों ही टीम पहले गोल के लिए अपना अपना मौका तलाशते हुए छोटे छोटे पास के द्वारा कोटिया उतने ही सेंधोपारा की डिफेंड द्वारा बहुत ही सुंदर डिफेंडिंग का प्रदर्शन करते हुए स्वागत का कार्यक्रम। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री गोपाल शरण सिंह शक्ति केंद्र प्रभारी जी का स्वागत, दीपेश राजवाड़े पुष्प गुच्छ लेकर जाए और गोपाल शरण सिंह जी का स्वागत करें। और विशिष्ट अतिथि के रूप में बोध है कि वह जाए पुष्प गुच्छ लेकर और बसंत जी का स्वागत करें। ए बंटी ए लगे पीछे
संजय 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 आराम से भाई। हमारे ग्राम पंचायत मराठा के सरपंच श्री सतलाल जी का स्वागत और हमारे ग्राम दुर्ती के वरिष्ठ बुजुर्ग श्री मोतीलाल सिंह जी का स्वागत गणेश ग्वाल जी के द्वारा पुष्प गुच्छ देकर उनसे स्वागत करें। सत्यदेव गुप्ता जी, सत्यदेव गुप्ता जी का स्वागत अमन गुप्ता जी के द्वारा पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। जोखन सिंह जी का स्वागत के लिए श्री सूरज सिंह जी, सम्मान्य श्री जोखन सिंह जी का स्वागत सूरज सिंह जी के द्वारा पुष्प गुच्छ से उनको स्वागत कर। श्री संदीप जी गुप्ता जी का स्वागत नन्हेश्वर सिंह जी के द्वारा पुष्प कुछ लेकर जाएं और संदीप गुप्ता जी का स्वागत करें। टाइट खिलाए दे तुम खेली हां का देखो दे सुकल भेज ठीक है चलो कन्हैयालाल यादव जी का स्वागत नन्हेश्वर जी जाएं और पुष्प कुछ देकर उनका स्वागत करें। राजेश्वर ग्वाल जी का स्वागत पुष्प कुछ देकर अजय गुप्ता जी जाएं और उनका राजेश्वर ग्वाल जी का स्वागत श्री अजय गुप्ता जी के और ये मैच कोटिया वर्सेस सिंधोपारा के मध्य चलता हुआ पहले हाफ का खेल चलता हुआ और दोनों ही टीम अपने अपने गोल के तलाश के लिए कसमकस खेल का प्रदर्शन करते हुए सिंधोपारा की टीम और कोटिया की टीम में कोई भी खिलाड़ी नहीं चाहता कि दोनों से किसी भी तरह की चूक हो और या किसी भी तरह गोल करने। सिंधोपारा की टीम एकदम छोटे छोटे पास से ले जाते हुए लेकिन उतनी ही अच्छी कोटिया के डिफेंडर एक बार फिर से मौका बनता हुआ लेकिन गोलकीपर के हाथों में। और ये कोटिया टीम के लिए बहुत ही सुनहरा मौका इसमें देखते हैं सफल पाते कि नहीं लेकिन ये आगे बहुत ही सुनहरा मौका ये बहुत ही अच्छा गोलकीपर के द्वारा सिंधोपारा की टीम सीधी बॉल हाथों में जाती हुई फिर से सिंधोपारा की टीम को दोनों ही टीम बहुत ही जबरदस्त टक्कर की टीम लग रही है फिर से देखा जाए गोल कर पाते हैं कि नहीं लेकिन सीधे गोलकीपर के हाथों में और ये कोटिया के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका
मिल सकता है, लेकिन असफल रहे कोटिया टीम। खिलाई के खेला के बाद बता दें कोटिया और सेंधोपारा की टीम शून्य शून्य पर है, और ये फिर से कोटिया टीम को बॉल मिलती हुई, देखते हैं इसमें सफल हो पाते हैं या नहीं। और यह सिंधुपारा की टीम के लिए बहुत ही अगल बगल में पाई तो छोटे टीम में पहुंचा दी। श्रीकांत लाइट वाला नहीं लाना पड़ता वाला नहीं और आए जाब ले अच्छा तुम्हारा ठीक है निकाल उसके लिए निकाल निकाल दे ही इसकी कहाँ ले वो पाइप थोड़े लंबा। और एक पुरस्कृत होते हुए सिंधुपारा टीम के लिए श्री हमारे सम्मानीय रामेश्वर सिंह जी के द्वारा यदि पर गोल पर 100 रुपये टीम के लिए पुरस्कार की झड़ी लगती हुई रामेश्वर सिंह जी के द्वारा हर गोल पर 100 रुपये सोनू मार के था फाटर ले सर सर आप साइड है नहीं पहले झंडा उठा रहे थे हम देखा देखते ही ध्यान देना पड़े आगे भाग ना सर और ये बहुत ही अच्छा शॉट टीम गोल मारती है तो राजकुमार की तरफ से 100 रुपये और ये बहुत ही अच्छा शॉट सिंधुपारा की तरफ से लेकिन उतनी ही अच्छा कोटा के द्वारा भी कोटा के द्वारा बॉल क्लियर करते हुए और ये बहुत ही अच्छा ड्रेस मतलब मुहर कहाँ चल रही तो सिंधुपारा के लिए इतने ही अच्छा कोटा के द्वारा गोल को क्लियर करते हुए सिंधुपारा की टीम को गोल मिलती हुई लेकिन उतनी ही अच्छी कोटा के द्वारा बॉल को क्लियर करती हुई और ये कोटा की टीम को बॉल मिलती हुई देखते इसमें और कोटिया की टीम को बॉल मिलती हुई और ये कोटिया की टीम
और ये सिंधुपारा की टीम को बॉल मिलती हुई, अब निकलते नहीं है कोई डिफेंस ना, सिंधुपारा की बहुत अच्छी बॉल मिलती हुई लेकिन हिसाब से टीम को बॉल मिलती हुई लेकिन फिर से आराम से को बॉल मिलती हुई लेकिन उतनी ही अच्छा छोटे टीम क्लियर करती हुई बॉल को और इस छोटे टीम को बहुत ही सुनहरा मौका मिलते हुए लेकिन देख पा रहे टीम को बोल नहीं, लेकिन यहाँ छोटे के प्लेयर के द्वारा नहीं मिलती हुई उतनी ही अच्छा द्वारा बॉल को क्लियर करते हुए अभी मन वाला 30-30 मिनट खिला देता हूँ, खड़ा हो जाए अबे पैर नहीं चला सलवानों के साथ खेलती हुई ग्राउंड में नजर आ रही है और के लिए बहुत ही सुनहरा मौका मिल सकता ही है लेकिन टीम को बॉल मिलती है लेकिन इतनी बॉल को क्लियर करते हुए और बहुत ही सुंदर मौका मिल सकता था सिंधुपारा की टीम के लिए बहुत ही सुनहरा मौका मिल सकता है लेकिन बहुत ही सुनहरा मौका मिल सकता था सिंधुपारा के लिए गेम।
ये गोल बहुत ही फोर्स दे बहुत ही अच्छा गोल कीपिंग के द्वारा बोलिए सेव ले आज पूरा आउट आउट पूरा गोलू ले गोलू तो ठुकाने भैया बहुत अच्छा गोल कीपर के द्वारा बॉल को क्लियर करते हैं अरे मार दे जल्दी फट जाए अरे वाह गोल।